आलू की भुजिया आसान तरीकों में। दो आलू को लंबे लंबे साइजों में काट लीजिए। दो हरी मिर्च, हसब ज़रूरत नमक और थोड़ा सा काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई। पहले तेल को गरम कर लें। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। पहले हरी मिर्चों को बीच से काट करके तेल में डाल दें। अच्छी तरह से तेल में आलू को मिला लें। इसमें थोड़ा सा हल्दी जैसा नमक डाल दीजिए। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी। बस अब इसको पकने देना आराम से। अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इसे छोड़ देंगे गलने के लिए। बीच बीच में चम्मच चला करके थोड़ा हिला लेना है और फिर उसको गला लेना है। भुजिया को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। ये गल गया है, देख सकते हैं हल्की हल्की लाली आ गई है। थोड़ा सा और इसे खड़ा करूँगी मैं। मेरे बच्चों को खरा थोड़ा पसंद आता है, इसलिए लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे और ये किया है। मुझे जो जैसा चाहिए था वैसा ये हो गया। अब मुझे मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब इस पर थोड़ा सा फ्रेशली क्रश्ड पॉपकॉर्न्स डाल देना है और ये खाने को तैयार है।